मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आ रहा है और उसमें पूछा जा रहा है कि सर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में किस तरीके से हम कोई भी करेक्शन कैसे करेंगे, जैसे नाम, जेंडर, ईयर ऑफ बर्थ, या मैं जैसे आधार कार्ड दे रखा हूँ तो उसमें पासपोर्ट लगाना है, या पासपोर्ट दे रखा हूँ तो उसमें पैन कार्ड लगाना है, तो वो सब हम कैसे करेक्शन करेंगे उस पर थोड़ा एक कम्प्लीट वीडियो बना कर दिखाइए, और साथ में ही करेक्शन करने के बाद हम सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे इसका भी एक कंप्लीट वीडियो बना के दिखाइए। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस तरीके से आप कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में कैसे आप कोई भी करेक्शन कैसे कर सकते हैं, और साथ ही आप कैसे उसको सर्टिफिकेट को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में आप किस तरीके से कोई भी करेक्शन कैसे करेंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ हुआ, ईयर ऑफ बर्थ हुआ, लिंग हुआ, या आपका पैन कार्ड है तो आधार कार्ड कैसे लगाएंगे, या आधार कार्ड है तो पासपोर्ट कैसे लगाएंगे, वो आप कैसे करेंगे। इसके साथ ही आप जो है सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में कोई भी सुधार कैसे किया जाता है और सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और उसमें करेक्शन आप कैसे करेंगे, जैसे आपका आधार कार्ड है तो पैन कार्ड कैसे करेंगे, या पैन कार्ड है तो पासपोर्ट कैसे करेंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना, जैसे मैं यहाँ क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको टाइपिंग करना है कोविन। इस तरीके से यहाँ पर टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ तरीके से ऑप्शन आ चुका है, यहाँ ऑप्शन वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। यहाँ से देख रहे हैं कि बुक योर स्लॉट, और यहाँ से स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर कुछ हाईलाइट दे रखा है, इसको आप एक बार टर्म एंड कंडीशन को रीड कर लीजिए। यहाँ से देख लीजिए कि आपको लिखा जा रहा है कि यहाँ से सर्टिफिकेट करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर एड पासपोर्ट डिटेल कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ वैक्सीन सेंटर नोट रिसीव है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्जिन मल्टीपल डोज वन सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इस सब के बारे में बताऊँगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस पर एंट्री कर लेना है, ओपन हो जाना है। तो यहाँ पर रजिस्टर है, इस वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के आपको आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP आएगा। OTP डाल के यहाँ गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP डाल के आपको वेरीफाई कर लेना, जैसे मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, यहाँ मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। यहाँ गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा 6 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे डाल के यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो मेरे केस में यहाँ पे OTP आ गया है, मैं अपना OTP यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये 6 डिजिट का होता है, ठीक है, तो आप जो भी मोबाइल दीजिएगा उसी पर आपको OTP आएगा। OTP डालने के बाद यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आप इस पोर्टल पे ओपन हो जाइएगा। यहाँ पर देखिए कि मैं इतने मेंबर को ऐड कर रखा हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे शिव शंकर कुमार है, यहाँ पे देखिए ये जो है ये आदमी है, यहाँ पे ये आदमी है और यहाँ पे ये आदमी है। तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप अपना सर्टिफिकेट पहले करेक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि राइस एंड इशू है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप यहाँ पर करेक्शन इन माई सर्टिफिकेट आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे आपका हो गया नाम गलती है तो नाम कर आप सही कर सकते हैं, एज, जेंडर और फोटो आईडी, मतलब अगर आधार कार्ड है तो पैन कार्ड है तो पासपोर्ट, आप यहां से करेक्शन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं अपने ध्यान के लिए कि आपको जो भी करेक्शन करना है आपको सिर्फ एक टाइम करेक्शन होगा, एक टाइम के अलावा आपको ज़्यादा करेक्शन नहीं होगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको जैसे नाम, एज, जेंडर में करेक्शन करना है तो इस वाले को आप क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पहले मेंबर ऐड कर लीजिए, जैसे मेरे 4 मेंबर में ऐड कर रखा हूँ तो मैं इस तरीके से मेंबर ऐड कर लूँगा। यहाँ पे भी सर्टिफिकेट पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि आपका इतना आ चुका है, यहाँ पर देखिए कि नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, यहाँ जेंडर और यहाँ फोटो आ रही है, जैसे आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं चेंज करूँगा तो यहाँ पर अपना
जो भी आपको जैसे पासपोर्ट डालना है तो उसका यहाँ नाम डाल सकते हैं, आधार कार्ड डालना है, पैन कार्ड डालना है तो वो आप यहाँ से डाल के इसको आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा फैमिली फीमेल है तो अगर मेल वगैरह चाहते हैं तो इस पे आप जो है मेल फीमेल या जो भी रखना चाहते हैं इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ आप डालना चाहते हैं तो जो भी ईयर ऑफ बर्थ डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ नाम में करेक्शन करना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे आप नाम करेक्शन कर सकते हैं, जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे नाम डालना है। जैसे मैं आपको बता दूँ, मैं इसमें एक बार करेक्शन कर चुका हूँ तो इसीलिए यहाँ पे नहीं होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए मैं नाम डाल दिया हूँ और यहाँ से मैं कंटिन्यू वाले पे क्लिक करूँगा तो ये जो है आपका जो है करेक्शन हो जाएगा। मैं ये जो है इसमें करेक्शन कर रखा हूँ। यहाँ पर देखिए कि चेंज इन वैक्सीन सर्टिफिकेट कैन टेक योर 24 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप इसको करेक्शन कर सकते हो। देख आने के बाद यहाँ पर देखिए कि अगर पासपोर्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो इस वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जो बेनिफिशरी का जो है मेंबर ऐड कर लीजिए, जिसका भी पासपोर्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से डालेंगे और यहाँ पे पासपोर्ट का जो भी आपका नंबर है इस तरीके से आपको नंबर डाल देना, ठीक है। इस तरीके से नंबर डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पर कुछ डाल दिया हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, तो आप अपना सही से डालेंगे। जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो आपको यहाँ सही से डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यह आपका पासपोर्ट एड हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो है करेक्शन आप एक ही बार कर सकते हैं, मैं इसमें कर रखा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अपना जो है न्यू मोबाइल नंबर एड कर सकते हैं तो यहाँ पे बेनिफिशरी का जो है अपना चूज कर लेंगे जो भी बेनिफिशरी है। और यहाँ पे देखिए कि आपका ऑप्शन आ चुका है ट्रांसफ़र मेंबर का, यहाँ से अपने ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं मेंबर का, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि अपना करंट मोबाइल है ये, तो अपना मोबाइल भी अपना न्यू मोबाइल इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी मोबाइल आप ऐड करना चाहते हैं वो मेंबर का, वो आप यहाँ से मेंबर का मोबाइल नंबर आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से पहले मोबाइल नंबर ये ऐड कर रखा हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि नया मोबाइल नंबर ऐड करें इस बेनिफिशरी का तो यहाँ पे इस बेनिफिशरी का यहाँ पे मोबाइल नंबर आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा मैं यहाँ से सिंपली बैक आता हूँ और बैक आने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप पहले से इसका जो ले लिए हैं, आप इंजेक्शन ले चुके हैं, तो इसका सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप सेकेंड डोज लेते हैं तो आपको सेकेंड डोज वाला आपको सर्टिफिकेट कैसा मिलता है और फर्स्ट डोज वाला कैसा मिलता है। फर्स्ट डोज वाला पर लिखा रहेगा और सेकेंड डोज वाला पर सेकेंड डोज नहीं लिखा रहेगा, बल्कि आपको वहाँ पर लिखा रहेगा फाइनल सर्टिफिकेट। यहाँ पर देखिए इस मेंबर सब का जो है अभी इतना दिन बाकी है, बट मैं अपना ले चुका हूँ तो यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कि इसका फर्स्ट डोज यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है, सेकेंड डोज भी कम्प्लीट हो चुका है। इसका देखिए कि फर्स्ट डोज यहाँ पर लिया हुआ है, सेकेंड डोज नहीं लिया हुआ है। इसी तरीके से ये सब है, फर्स्ट डोज लिया है, सेकेंड डोज नहीं लिया है, फर्स्ट डोज लिया है, सेकेंड डोज नहीं लिया है। तो इस सब का सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सर्टिफिकेट वाले पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको डाउनलोड होकर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर चुका हूँ, यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कि मैं इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया, तो यहाँ पर देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर COVID-19 वैक्सीनेट, यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट डोज, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट है। अब मैं आपको दिखाऊंगा सेकेंड डोज वाला सर्टिफिकेट कैसा होता है। तो इसके लिए मैं सिंपली इसी पेज पे चलता हूँ और मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए कि मैं जो है फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों में ले चुका हूँ, तो इसका मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर फर्स्ट डोज वाला देख लीजिए कैसा है और मैं आपको सेकेंड डोज वाला जो ही आपको मैं दिखाऊँगा। यहाँ सर्टिफिकेट वाले पर क्लिक कीजिएगा, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए आ चुका है डाउनलोड होकर, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपका सेकेंड डोज मतलब फाइनल सर्टिफिकेट फॉर COVID-19 वैक्सीन। यहाँ पर देखिए कि आपका ये फाइनल सर्टिफिकेट ये आ चुका है और ये जो है आपका जो है फर्स्ट डोज वाला, तो यहाँ पर देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट COVID-19 वैक्सीन फर्स्ट डोज यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप सेकेंड डोज लेते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ पर फाइनल सर्टिफिकेट आपको फॉर COVID-19 वैक्सीन का ऊपर लिखा रहेगा और इस तरीके से आपको सेकेंड डोज वाला सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब फाइनल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। सो गाइस इस तरीके से यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, इस वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से बुक वैक्सीन एक्सलोड कर सकते हैं, यहाँ मार्जिन अपॉइंट कर सकते हैं, यहाँ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर रजिस्टर मेंबर पर क्लिक करके यहाँ मेंबर को रजिस्टर कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे मोबाइल नंबर डालिएगा, आपके मोबाइल पर OTP आएगा SSDI का, यहाँ पर आपको कोड डाल के वेरीफाई कर देना, ठीक है। इसके अलावा गाइस इस तरीके से बहुत ही आसानी से जो है आप COVID-19 का कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर देखिए कोविड इंटरनेशनल है, वैक्सीनेशन है, डिपार्टमेंट लॉगिन है, वेरीफाई सर्टिफिकेट है। इस तरीके से रिसोर्स वाले पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डोज एंड डोंट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ सपोर्ट वाले पे क्लिक करके आप यहाँ पे
सर्टिफिकेट करेक्शन कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से वही जो मैं आपको पहले बताया हूँ, यहाँ पे ट्रांसफ़र मेंबर का मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, पासपोर्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आप डोज वन सर्टिफिकेट, फाइनल वैक्सीन सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे करेक्शन इन सर्टिफिकेट, जैसे नाम, एज, जेंडर, फोटो, आईडी, जो भी करेक्शन करना है उसका आप मेंबर का इस तरीके से नाम ऐड करेंगे, ठीक है। वो बोला वेरीफाई सर्टिफिकेट, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ये वेरीफाई हो जाएगा, नाम होगा चेंज करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा और जो भी नाम डालना है इस पर डाल के आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है, क्योंकि मैं इस पर कर रखा हूँ तो नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको एक बार चेंज कर दूँगा कोई गलत नाम से तो वो गलत नाम से आ जाएगा, मैं वो नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए कि यू कैन रिक्वेस्ट टू चेंज मैक्सिमम इन सर्टिफिकेट, मतलब दो बार आप जो है सर्टिफिकेट को चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि आपका बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप दो बार ही आप जो है सर्टिफिकेट में जो है करेक्शन कर सकते हैं, इसके अलावा जो है आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो आप जो भी करेक्शन कीजिए वो आप ध्यान में रखिएगा। पहले जो था मैं आपको बताया था कि एक ही बार दे रहा था, तो पहले जो है एक ही बार जो है करेक्शन करने का ऑप्शन दे रहा था, बट आप जो यहाँ पर कुछ चेंजिंग किया है साइट का, तो यहाँ पर जो है दो बार ऑप्शन दे रहा है, तो आपको नहीं पता है तो किसी से पूछिएगा जो पहले से चला रहे हैं ये साइट, तो ये जो है पहले से एक ही बार था, बट अब यहाँ पर मैं आपको बोला भी एक बार, बट यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे मैक्सिमम दो बार आपको जो है इसमें ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ से आप दो बार करेक्शन कर सकते हैं, जैसे आपका नाम हो गया, योर बर्थ, मेल, तो इस तरीके से मैं जैसे मैं यहाँ पे इसको करेक्शन करके बताता हूँ, तो मैं यहाँ पे उसका जो भी नाम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जैसे देखिए मैं यहाँ पे जो नाम डाला हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाला पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए जैसे कंटिन्यू वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन टू चेंज का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप जो है इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन आपका है ये आ चुका है, यहाँ से आप जो है इसको एडिट करके हटा सकते हैं और कुछ और भी यहाँ पर आप एड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये नाम आ चुका है जो पहले ये नाम था कुमार, अब ये पासवान आ चुका है, इसको एडिट कर सकते हैं और दूसरा भी ला सकते हैं। चलिए मैं आपको कर ही के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर पासवान डाल दिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं 24 घंटा में आपको ये सर्टिफिकेट चेंज हो जाएगा, तो यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि ये मैं यहाँ पे पहले से कर रखा हूँ तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, अगर आप नहीं किए रहेगा तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, जबकि यहाँ पर दो चांस दे रखा है, तो दो चांस यहाँ पे आपको मिल जाता है 24 घंटा के अंदर में ये आपका चेंज होगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से गिवेंस रिक्वेस्ट हैज बीन ऑलरेडी रिक्वेस्टेड फॉर द इंडिविजुअल, मतलब मैं आपको पहले दिखाया हूँ कि यहाँ पर मैं चेंज किया था तो वो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल दिखा रहा है, तो इस तरीके से आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप दो बार इसको मैक्सिमम दो बार इसको आप चेंज कर सकते हैं, तो इस तरीके से गाइस आप बहुत ही आसानी से आप कोई भी सर्टिफिकेट में करेक्शन कर सकते हैं, चाहे आपका नाम हो, योर बर्थ हो, फोटो आईडी नंबर हो, कुछ भी हो, आप यहां से इसको चेंज कर सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से जो है आप बहुत ही आसानी से यहां से आप करेक्शन कर सकते हैं, यहां पे जाइएगा, इसमें से आप जो भी करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे अगर आप इसमें 4 मेंबर को ऐड कर चुके हैं तो यहां पे इस अकाउंट भी आप इसमें से जो मेंबर का है उसको आप डिलीट करके अपना में से हटा सकते हैं, इस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा, टर्म को ओके कीजिएगा, यहां से सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिएगा, जैसे मैं यहां पर दिखा देता हूं सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक, यहां पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर वांट टू द डिलीटेड इंडिविजुअल फ्रॉम द योर अकाउंट, मतलब बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपके अकाउंट में से इस पर्सन को श्योरली हटा दे, तो मैं नहीं हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे नो वाले पे क्लिक करूँगा, अगर आप हटाना चाहते हैं तो यस वाले पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे नो वाले पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं हमें हटाना नहीं है। सो इस तरीके से यहाँ पे आप कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं, यहाँ पे अपना एड पासपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ अपना मेंबर में से इसको हटा सकते हैं जो भी मेंबर को ऐड किए हुए हैं, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। सो गाइस ये थोड़ा आपको मिल जाता है साइट, इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बस अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट कैसे बुक किया जाता है इस पे मैं पहले वीडियो बना रखा हूँ, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा, और यहाँ से जो है आप देख रहे हैं इस मेंबर सबका इतना सर्टिफिकेट आपको टाइम बचा हुआ है लेफ्ट, तो वो सेकेंड डोज ले सकता है, और इसका देख रहे हैं कि ये ले चुका है, तो यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट पे डाउनलोड करके आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से आप COVID-19 का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी करेक्शन कैसे कर सकते हैं, आपका फर्स्ट जो डोज है उसका सर्टिफिकेट कैसा होता है, इसके बाद आपको सेकेंड डोज लेते हैं तो आपका सर्टिफिकेट कैसा होता है, अगर सेकेंड डोज लेते हैं तो वहाँ पर सेकेंड डोज नहीं लिखा रहेगा बल्कि आपका लिखा रहेगा फाइनल सर्टिफिकेट। सो गाइस ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे आप बहुत ही आसानी से आप COVID-19 का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, उसका करेक्शन भी कर सकते हैं। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में हम कोई भी करेक्शन कैसे कर सकते हैं, जैसे नाम, जेंडर, ईयर ऑफ बर्थ, या आपका पासपोर्ट है तो आधार है तो
किस तरीके से आप पैन कार्ड उसमें करेक्शन कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और साथ ही किस तरीके से आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब आपने इस वीडियो में सीखा। तो गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।